फ्रेंड्स, आई विल कम टू दी थर्ड ब्रीफिंग पॉइंट। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा रोल दिया है रिन्यूएबल एनर्जी को। रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी गोल्स भारत ने सेट किए थे, उन सब गोल्स को समय से पहले पूरा किया। और आज दुनिया में बड़ा आश्चर्य करते हैं, कभी भी डेवोस में या जब भी जाते हैं, मैं एक छोटा सा प्रश्न जब लोगों को पूछता हूं कि भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी कितनी है, तो लोग आश्चर्य करते हैं जब उनको 42% या अभी 43% हो गई है। इतनी हाई कॉम्पोजिशन रिन्यूएबल एनर्जी का है पावर जनरेशन कैपेसिटी में, ये लोग सुन के बहुत आश्चर्य होते हैं, क्योंकि कई देशों में, अच्छे हमसे समृद्ध देशों में भी आज भी इससे सिग्निफिकेंटली लेस नंबर है। उसी कड़ी में आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक लैंडमार्क डिसीजन है, ये एक लैंडमार्क डिसीजन है। भारत में पहली ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट का आज अप्रूवल हुआ है। 1 गीगावाट यानी 1000 मेगावाट का दो प्रोजेक्ट, एक 500 मेगावाट का और दूसरा अनदर 500 मेगावाट का। ऑफशोर विंड का मतलब ये हुआ, आपने सबने देखी है विंड एनर्जी की टर्बाइन जो लगती है, अभी पूरे देश भर में काफी लगी हुई है। ऑफशोर विंड एनर्जी टर्मिनल फ्लोटिंग टर्मिनल्स होते हैं, जो कि समुद्र में कोस्ट से डिस्टेंस पे, जब कोस्ट से थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस पे ऑफशोर विंड टर्मिनल लगता है, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि विंड लगातार पूरे साल चलती है, यानी आपको एक स्टेबल पावर उस विंड टर्बाइन से मिलता है, तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और दुनिया में आज करीब करीब हर देश जिसकी कोस्टलाइन है, चाहे यूएस हो, यूके हो, फ्रांस हो, सभी के सभी इस टेक्नोलॉजी पे आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत के लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बोथ ऑन द वेस्ट कोस्ट एज वेल ऑन द ईस्ट कोस्ट विंड स्पीड्स और विंड की जो इंटेंसिटी है और विंड की जो कंटिन्यूटी है, वो दोनों ही कोस्ट पे।